गुड मॉर्निंग भाई सारे ना। तो भाई आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई अपन यूएस वीजा की एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो दो सिंपल सी प्रोसेस है। मैंने भी अपना पिछले महीने यूएस वीजा अप्लाई करा था और अपॉइंटमेंट ली थी, और इस वीडियो में ये बताऊंगा कि भाई आप 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर अपन अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। तो ज्यादा वो बड़ी हवा वो बड़ी चीज नहीं है। अब अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों अपन किसी भी अपन एजेंट या फिर लॉयर से पैसे देते हैं, तो इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों की प्रोसेस बताऊंगा, अपॉइंटमेंट लेने की प्लस में जो आपने फॉर्म फिलअप करना है स्टार्टिंग में। तो प्रोसेस ये है कि पहले अपन DS-160 फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद वहां से एक नंबर जनरेट होगा। वहां से जाने के बाद आपने एक अपनी अपॉइंटमेंट यूएस वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। दैट्स इट, यू हैव टू पे योर फीस एंड यू आर गुड टू गो। तो पहले कुछ नहीं भाई, अपना क्रोम ब्राउजर, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, इसमें अपने सारी की सारी दिखाता हूँ। तो क्रोम ब्राउजर खोलिए, इसमें आपने कुछ नहीं टाइप करना, DS-160 टाइप कर देना। तो जो आपके पास पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, तो जो पहला रहा ऑनलाइन नॉन इमिग्रेशन वीजा एप्लीकेशन DS-160, तो इस पर अपना क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप की वेबसाइट दिखने मिलेगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है अपनी कंट्री सिलेक्ट, लोकेशन वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर योर वीजा। तो यहाँ पे कनाडा आ जाएगा क्योंकि मैं कनाडा से अप्लाई कर रहा हूँ, कनाडा टोरंटो। उसके बाद जो नीचे कोड दे रखा है वो आपने अप्लाई कर देना। AH केस सेंसिटिव है तो अगर कैपिटल में हो तो कैपिटल में डालना। तो यहाँ जाएगा स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपके आ गया ये फॉर्म खुल के आएगा, यहाँ पर आपने आई एग्री कर देना है। एग्री कर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर्स मदर, कुछ भी आपने कोई क्वेश्चन चूज कर लेना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है। इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब, कुछ भी लिख दो, इंडिया दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपकी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने इसमें डालनी है। मेन जो कई बंदे कंफ्यूज होते हैं, गिवन नेम और सरनेम है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, एंटर ऑल सरनेम एज लिस्टेड इन योर पासपोर्ट। अगर आपके पासपोर्ट सिर्फ एक ही नाम है, इफ ओनली वन नेम इज लिस्टेड इन योर पासपोर्ट एंटर दैट सरनेम, अगर एक नाम है तो आपने सरनेम में ऐड करना है, जैसे मेरा अंकित है। तो इफ योर पासपोर्ट डज नॉट इंक्लूड अ गिवन नेम प्लीज एंटर FNU। अगर आपका गिवन नेम मतलब खाली एक नाम है तो अंकित लिखना है, बट ये ब्लैंक खाली नहीं छोड़ना, अब यहाँ पे FNU टाइप कर देना। फुल नेम इन अ नेटिव अल्फाबेट डज नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम, नो। डू यू हैव ए टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, नो। यहाँ पे आ जाना मेल, देन मैरिटल स्टेटस सिंगल, कोई भाई शादीशुदा हो अपना मैरिड डाल देना। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है अपने यहाँ पे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ प्लेस मतलब जो आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपने वहां का डाल देना है, स्टेट और प्रोविंस जो भी आपकी है, कंट्री अपने यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। उसके बाद कर देना है ऐसे अपन नेक्स्ट। उसके बाद कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन नेशनलिटी, तो यहाँ पर अपना इंडिया, बिकॉज मेरी नेशनलिटी इंडिया की है। डू यू हैव एनी डी यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन द वन इंडिकेटेड अबव योर नेशनैलिटी। अगर आपकी भाई आप यहाँ के सिटीजन हो तो वहाँ की भी आप डाल सकते हो, बट अभी मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर वो आ जाएगा। आर यू परमानेंट रेजिडेंट, जो भी बंदा परमानेंट रेजिडेंट है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, जो जहाँ यहाँ की, अगर कैनेडा की आपकी PR है, बट मैं अभी नहीं हूँ, वर्क परमिट में हूँ तो उन्हें नो डाल देना। तो अगर यहाँ पे PR है तो आपके जो PR कार्ड का नंबर आ जाएगा, तो ये मेरे सारे के सारे डज नॉट अप्लाई। यूएस का सोशल सिक्योरिटी नंबर ये भी नहीं है, यूएस टैक्स पेयर ID नंबर डज नॉट अप्लाई। उसके बाद आगे अपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रिप टू द यूएस, तो यहाँ पे आना टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर B वीजा। क्योंकि आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो B1 B2 अपना वीजा अपन अप्लाई कर देना। उसके बाद स्पेसिफाई करना है बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्पररी विजिटर B1/B2 वीजा। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रेवल प्लान्स,
अब अगर आपने प्लान बनाए हैं तो आप यहाँ पे यस कर दो, नहीं बनाए तो नो कर दो। यहाँ पे आपने कोई भी डेट दे देनी है, जैसे आप मैं अभी साल के एंड अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे कोई भी इवेंट आ रहा है उसकी डेट दे दो, जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो मैं न्यू ईयर के आसपास की मैं डेट दे दूंगा, जैसे 25 दिसंबर की दे दी मैंने, उसमें क्रिसमस भी हो जाएगा और वो भी 2022। भाई आपकी स्टे कितना दिन का करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1 वीक। तो पर्सन आइडेंटिटी एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द US। तो भाई मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने एक होटल का एड्रेस दे दिया था, तो जरूरी नहीं है कि आप भी होटल का एड्रेस दो, आपके फ्रेंड का कोई है वहां पे रहता है तो आप उसका भी एड्रेस देते, बट मेरा कोई फ्रेंड नहीं था तो मैंने एक होटल का एड्रेस दे दिया था, तो मैं होटल का एड्रेस यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये था ये अपना 77 रोड न्यू जर्सी, उसका सारा आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, कोई भी होटल का आप एड्रेस डाल सकते हो। पर्सन एंटरटेनिंग पे फॉर योर ट्रिप, तो आप अपने आप अपना खुद का खर्चा उठा रहे हो या और कोई आपका उठा रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा सेल्फ था तो मैंने सेल्फ कर दिया यहाँ पे। उसके बाद पर्सन ट्रेवलिंग विद यू, आर देर एनी अदर पर्सन ट्रेवलिंग विद यू, सो यहाँ पे आएगा नो। यस आपने जो भी करना है, यू शुड आंसर यस टू दिस क्वेश्चन इफ यू आर ट्रेवलिंग विद फैमिली एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज टूर और एज पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम। अगर आपकी कोई टीम जा रही है तो आपने भाई ग्रुप में, अगर आप इंडिविजुअल हो यहाँ पे नो कर सकते हो। ओके तो देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रीवियस US ट्रेवल। तो हैव यू एवर बीन इन US, सो यहाँ पे आएगा नो। हैव यू एवर बीन इशूड ए US वीजा, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए US वीजा और बीइंग रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द US यूनाइटेड स्टेट्स, नो। हैव एनीवन एवर फिल्ड इमिग्रेशन पिटीशन ऑन बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट सिटीजन एंड इमिग्रेशन, नो। देखो भाई हर बंदे की कंडीशन अलग होती है, अगर आपकी कोई कंडीशन मैच होते हैं आप यस या नो कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद आ गया आपका होम एड्रेस यहाँ पे, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपने डाल देना है। ऑटो फिल हो गया तो एड्रेस आपका जो भी होगा यहाँ पे आप डाल देना। इज योर मेलिंग एड्रेस एज द सेम एज योर होम एड्रेस, तो यहाँ पे यस कर देते हैं। फोन नंबर आ जाएगा आपका, तो सेकेंडरी फोन नंबर और ये फोन नंबर आपने कैंसिल कर देने हैं। हैव यू एवर यूज एनी अदर फोन नंबर इन द लास्ट 5 ईयर्स, नो। ईमेल आपने डाल देनी है अपनी, हैव यू एवर यूज एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ भी आ जाएगा अपना नो। तो सोशल मीडिया आप कोई भी अपना इंस्टाग्राम कुछ भी दे सकते हो या यूट्यूब चैनल कुछ भी दे सकते हो अपना, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट, सो भाई मैं नहीं देना चाहता अपनी इन्फॉर्मेशन तो आपने नो कर देना। देन नेक्स्ट डिटेल्स आपकी पासपोर्ट की, सो भाई पासपोर्ट ट्रैवल टाइप, तो आपका जो पासपोर्ट है ये रेगुलर आदि डाल देना इसमें आपने। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका पासपोर्ट नंबर कुछ भी, पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई, वेयर वाज द पासपोर्ट ट्रेवल इश्यूड, सो इट्स इंडिया, सॉरी सिटी, सिटी अपनी चंडीगढ़ थी। सो अगर देखो स्टेट, क्योंकि चंडीगढ़ आपने आप कैपिटल तो किसी स्टेट के अंडर नहीं आती, तो मैंने भाई इफ शोन ऑन द पासपोर्ट, सो ये एक्सेप्शनल है तो यहाँ पे ना भी डालो कोई चक्कर नहीं। और यहाँ पे कंट्री आ जाएगी आपकी इंडिया, यहाँ पे था तो यहाँ पे सॉरी कंट्री 30 दैट इशूड पासवर्ड, सो इट विल बी यहाँ पे इंडिया, सॉरी इंडिया यहाँ पे चंडीगढ़ एंड कंट्री रीजन। यहाँ पर कोई भी आप जो आपकी जो पासपोर्ट की इशू डेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, और एक्सपायरेशन जब भी एक्सपायर कब होना है तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना। हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन, नो। तो उसके बाद नेक्स्ट विंडो ये खुल जाएगी, कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो भाई देखो कॉन्टैक्ट पर्सन तो अपने पर्सन कोई है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था मैंने होटल की डाली थी, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में डाल दूंगा अपना ये वाला एड्रेस, हिल्टन गार्डन इन रिजवेल पार्क। सो रिलेशनशिप टू यू, सो ना रिलेटिव ना स्पाउस फ्रेंड बिजनेस एसोसिएट एम्प्लॉयर स्कूल ऑफिशियल, सो मैं आधर डाल दिया था, तो उसका वो एड्रेस दोबारा डाल देना है यहाँ पे, जो भी आपने होटल या फिर आपने कोई या कोई फ्रेंड का एड्रेस दिया तो वो आपने यहाँ पे डाल देना। ईमेल एड्रेस उनका नहीं है तो मैं डज नॉट अप्लाई, नेक्स्ट।
तो आप अपनी फैमिली की डिटेल देनी है, फादर नेम, अगर आप नहीं देना चाहते डू नॉट नो यहाँ पर कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ डालनी हो डाल दो। इज योर फादर इन यूएस? नो। तो अगर देखो भाई, अगर आपके फादर का और मदर का भी पासपोर्ट में अगर लास्ट नेम नहीं है, मतलब सॉरी लास्ट फर्स्ट एक ही नाम है, तो आप यहाँ भी गिवन नेम में एफ एन यू डाल सकते हो, और सरनेम में जो भी आप बना वो डाल सकते हो, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ भी, सॉरी मैं अपनी जो भी मदर की डेट ऑफ बर्थ हो वो अपन डाल देना। इज योर मदर इन द यूएस? देन इट्स नो। डू यू हैव एनी इनइमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? नो। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? नो। तो आ गया नेक्स्ट, वर्क एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो यहाँ पे अपना अपनी ऑक्यूपेशन करनी है, जो भी आपका रिलेटेड सेक्टर है वहाँ पे। तो मैं बेल टेक्नीशियन हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा कम्युनिकेशन सिलेक्ट। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, तो ये अपनी बेल टेक्निकल सॉल्यूशन है भाई। इसका एड्रेस मैंने इसमें ऑटो फिल अप डाल देता हूँ, मेरा एड्रेस था ये इसका, सब कुछ भाई अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। स्टार्ट डेट अपनी 24 मई 2022। मंथली इनकम 3000 के आसपास में डाल दी, क्योंकि मेरी मंथली इतनी यही है। उसके बाद यहाँ पे भाई अपनी जॉब लेटर होता है जो आपकी, उसमें कुछ ड्यूटीज होती हैं, तो आपने ड्यूटीज यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है। जैसे मेरा फाइबर एंड कॉपर रिपेयर, जो मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, बट आपकी जो जॉब लेटर में स्पेसिफिक आपकी जॉब ड्यूटी दे रखी होंगी, तो वो आपने यहाँ पे डालनी है। और थोड़ा जल्दी डालना, क्योंकि इसका टाइम आउट हो जाता है, मतलब ये फॉर्म अगर आप ज्यादा टाइम ले लो तो इसका आपने स्टार्टिंग से फिर फिल करना पड़ता है। तो उसके बाद ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट वर्क एजुकेशन नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद वाज वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? तो मैं भविष्य पहले स्टूडेंट था, तो मैं यहाँ कर दूंगा नो। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? तो यहाँ पे मैंने भाई पढ़ाई की है, तो मैं यहाँ पे यस डाल दूंगा। और यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम ऑटो फिल कर दिया, नॉर्दर्न कॉलेज जो कि स्कारब्रो में है, सारा कुछ डाल दिया। कोर्स ऑफ स्टडी था मेरा बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। स्टार्टिंग डेट मैं डाल दूंगा 2000 सितंबर में स्टार्ट किया था मैंने, 2021। जनवरी तक 2022। ये मेरे को 2020 स्टार्ट था, सॉरी। तो ये भी आपने सेव कर देना। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी क्लैन और ट्राइब? तो यहाँ पे नो डाल देना आपने। प्रूव एट लीस्ट तो लैंग्वेज यू स्पीक, तो अपना हो गया भाई हिंदी फर्स्ट, देन ऐड अनदर यहाँ पे हो जाएगी आपकी इंग्लिश, तो मैंने दो डाली अभी। हैव यू ट्रेवल्ड टू एनी अदर कंट्री रीजन विद द लास्ट 5 ईयर्स? नो तो कर देना है। अगला, हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू वर्क ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल सोशलिटी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? नो। डू एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स एक्सप्लोजिव? नो। सर्वड इन मिलिट्री? नो। डू यू हैव सर्वड इन अ मेंबर ऑफ इन्वॉल्व इन द पार्लियामेंट यूनिट? ये भी अपना भाई नो है। तो आपने सारे सारे क्वेश्चन भाई रीड करने हैं, ज्यादातर मेरे नो ही थे ये। कोई डिजीज नहीं है, मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है। डू यू हैव बीन अ ड्रग अबस्ट्रक्टर? नो। उसके बाद अरेस्टेड कन्विक्टेड? नो। हैव यू बीन एवर वायलेटेड एंड जेल? नो। एंगेज इन अ प्रोस्टिट्यूशन? और नो। हैव यू आर बीन इन्वॉल्व इन, डू यू सीक टू एंगेज इन मनी लॉन्ड्रिंग? नो। ये भी अपना नो आना है। हैव यू आर बीन नॉइंगली एडेड? स्पाउस एंड डॉटर एंड जो कैस कमिटेड कंस्पायर टू कमिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंस? नो। डू यू सीक टू एंगेज इन एन एप्शन सिक्योरिटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशन? और ये भी भाई अपना नो। टेररिस्ट एक्टिविटी? नो। मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? नो।
ज्यादातर भाई अपने नाइन सारे के सारे नौ ही आने यहाँ पे। हाँ उसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। Have you ever to obtain assist to obtain visa entry to the US or any other country? No, पहले मैंने अप्लाई नहीं किया अभी पहली बार मेरा। Have you ever been removed or reported from any other country? No. So last part 5, have you ever been without custody of a US? No. Have you ever waited in the United States in violation of any law or regulation? No. Have you ever been renounced to United States citizen for the purpose of overtaxation? No. तो ये हो गया अभी अपना फॉर्म फिलअप सारा का सारा। यहाँ पर आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड कर देना। यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे जाके आपके आगे फोटोज आ जाएंगी। उसके बाद तो यहाँ पर आपकी कोई भी फोटो आपने डाल देनी है अपना। उसके बाद अपलोड सिलेक्टेड फोटो। तो भाई आपने आपकी जो फोटो लगाने के बाद सारे का सारा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाना है। सबमिट होने के बाद आपने कुछ ये मिलेगा, आपने प्रिंट कंफर्मेशन, ईमेल कंफर्मेशन या प्रिंट एप्लीकेशन जो भी करना अपना एप्लीकेशन आप प्रिंट अपनी कर सकते हो। फिर आपने जो ये नंबर होता है भाई ये होता है कन्फर्मेशन नंबर। इसका कन्फर्मेशन नंबर जो मेन होता है ये यहाँ से आपने कॉपी करना है। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है यहाँ पे इसका स्टेप खत्म हो गया। आपने नई विंडो ओपन करनी है। यहाँ पे इसका काम खत्म होता है। सिर्फ कन्फर्मेशन नंबर यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी है। तो आपने कुछ नहीं करना है। आप लिखना अपने यूएस वीजा अपॉइंटमेंट। यूएस वीजा अपॉइंटमेंट लिखोगे तो पहले ही आएगा बुक ए वीजा इंटरव्यू यूएस वीजा इन्फो। तो इनकी भाई वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे लॉग इन ऑलरेडी, मैं तो यहाँ साइन आउट कर देता हूँ। तो आपने कुछ इस टाइप की वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वेबसाइट के जाना है। नीचे आप देखोगे अप्लाई और कंटिन्यू। सिलेक्ट इफ दिस ऑप्शन इफ यू हैव नेवर यूज दिस साइट बिफोर एंड यू हैव कंप्लीटेड ए DS-160 फॉर्म। तो आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर करना है। सिलेक्ट दिस ऑप्शन टू कंटिन्यू एंड रिटिव एन एग्जिस्टिंग वीजा एप्लीकेशन और इफ यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एन अकाउंट विद दिस साइट। तो आपने अप्लाई पर क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन पर। और यहाँ पर आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना है पहले। तो यहाँ पर अपना जो भी आपके जो सिचुएशन आपके परफेक्ट होती है वो आपने करना है। तो ये मैंने जो भी किया था, मैं ये सेकंड वाला आई एम ए नॉन कैनेडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन कैनेडा हु हैज कंप्लीटेड द यूएस नॉन इमिग्रेशन वीजा एप्लीकेशन DS-160 एंड वांट टू अप्लाई फॉर ए वीजा। तो ये आपने सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपकी भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आपसे यहाँ पे पूछेगा। गिवन नेम वही जो आपने डालना है वो आपने डाल देना है। गिवन नेम आपका नाम, ईमेल ईमेल कंफर्मेशन, पासवर्ड पासवर्ड कंफर्मेशन और यहाँ पर आई एग्री करके आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो मैं और फिर भी करके दिखा देता हूँ। अंकित हो गया अपना यहाँ पे भाई। उसके बाद सरनेम में आप जैसे कि मैंने वहां पर अंकित डाला था तो सरनेम में वही एफ एन यू जो भी आपने पीछे सेम किया है वो आपने यहाँ पे कर देना है। या फिर वहां पे आपने सरनेम में अपना नाम डाला है गिवन नेम एफ एन यू तो वो जो भी सेम था वो आपने यहाँ पे सेम आपने डाल देना है। ईमेल जो भी आप कह रहे हैं भाई यहाँ पे कंफर्मेशन करके बस सिर्फ आपने यहाँ पे अकाउंट जनरेट करना। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपने लास्ट में अपनी अपॉइंटमेंट दिखाई कि भाई आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। तो जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है मैं उसने भाई जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे भी आपका अकाउंट बन जाएगा आपके ईमेल पर कंफर्मेशन आएगी वो अपना कंफर्म कर देना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। सिंपल स्टेप्स हैं ये, आप अपने आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर भाई मेरी जो भी है आईडी वो मैं साइन इन कर दूंगा यहाँ से। तो उसके बाद आ जाएगा भाई अपना ये सारा का सारा। क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट हो रखी है। जैसे मैंने भाई अभी अप्लाई करा था पिछले महीने तो मेरी 18 नंबर की अभी अपॉइंटमेंट है। तो ये सारा सारा 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपॉइंटमेंट मिल गई थी। अगर मैं अभी भी रिस्केड्यूल करूँ तो देखो भाई यहाँ पे अपन जाना है कंटिन्यू पे। अगर रिस्केड्यूल आपने अपॉइंटमेंट करनी है तो भी आप फिलहाल देख रहे हो आज की डेट अपना 13/10/2022। तो अगर इस वाले ऑप्शन में जाना है रिस्केड्यूल अपॉइंटमेंट।
तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट देख सकते हैं ओटवा की, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में जाना है। तो अभी फिलहाल में ओटवा की तो अपॉइंटमेंट है नहीं, तो नवंबर दिसंबर की मिल रही है, बट आप लोकेशन चेंज करके देख सकते हैं। अगर मैं कैलगरी में जाऊँ तो आप देखो, जैसे कैलगरी में अगले महीने की अपॉइंटमेंट मिल रही है, टाइम 8 बजे का, बट मैं इसे ना करूँ नहीं क्योंकि मेरी अपना ओटवा की ऑलरेडी हो रखी है अपॉइंटमेंट। तो अगर भाई आप अप्लाई करते हो तो ऐसे अपॉइंटमेंट भी जल्दी आपने भी, जैसे दिसंबर की है, अगर जनवरी की भी है, फरवरी की भी, मार्च की भी, यहाँ की तो सारी ओपन है। तो ऐसे करके आप करके और यहाँ पर आपने जाना नीचे तो रिस्केड्यूल पर कर देना, तो यहाँ से आपकी रिस्केड्यूल हो जाएगी। तो ये थी पूरी पूरी प्रोसेस की भाई आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और आसान है, कुछ भी इतना कोई ज्यादा हवा नहीं है। पहले DS-160 फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद यहाँ पे US वीजा अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपना अकाउंट जनरेट करना, उसके बाद फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मिल जाती है। अगर आपको दिन में 2 या 3 बार आपने चेक करते रहना कि डेट मैं लॉग इन करूँ और फिर मैं डेट चेक करूँ, मैं दूसरी रिस्केड्यूल करा लूँ, तो ये था सारा का सारा प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद।